कोरोना काल में हर जगह साफ सफाई होना बहुत ही जरूरी है। ऐसे में नगर निगम के द्वारा भी साफ सफाई कराई जा रही है, तो कहीं समाज सेवी भी अपने स्तर से अपने क्षेत्र में साफ सफाई करते दिख रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्णिया के वार्ड संख्या 21 में समाज सेवी सलीम उर्फ फूदन मजदूर ने वार्ड संख्या 21 के मोहल्ले में अपने निजी कोष से सैनिटाइज कराया ताकि कोरोना का प्रकोप कम हो सके। ऐसे में क्षेत्र की जनता काफी खुश नजर आई और बताया कि के द्वारा कराया गया कार्य काफी सराहनीय है। हम से ही आया गया था, दो बार आया था, लेकिन हमने कोरोना पॉजिटिव थे जिस वजह से हम 2 तारीख से निगेटिव हो चुके हैं, लेकिन आज आप लोग के माध्यम से फिर छिड़काव हो रहा है। ये बहुत जरूरी है, सप्ताह में कम से कम 2 दिन तो कम से कम होना ही चाहिए। किनके द्वारा छिड़काव हो रहा है? सलीम भैया के द्वारा अभी जो छिड़काव हो रहा है, ये सप्ताह में कम से कम 2 दिन होना ही चाहिए, ये नेसेसरी है। आप पॉजिटिव थे, अभी नेगेटिव हैं, पॉजिटिव के दौरान कैसा फील कर रहे थे? उस समय तो ऐसे ही लग रहा था कि क्या होगा नहीं होगा, अंदर से बहुत घबराहट लगी हुई रहती थी। अभी जब से जिस दिन से नेगेटिव हुए हैं तो शरीर में तो वीटनेस है, लेकिन अब कुछ लग रहा है कि नहीं, अब राहत है। बहुत सारे लोग जो हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं आपको, बहुत सारे पॉजिटिव हैं, डर रहे हैं, उनको आप क्या? नहीं, हमारे तरफ से यही कहेंगे, सबसे ज़्यादा खतरा है तो डर से ज़्यादा इस बीमारी में खतरा है। मैं किसी डॉक्टर के यहाँ नहीं गया, मैं खुद अपने आप से अपना इलाज खुद किया। जो उसकी दवाई है, पैरासीटामोल हो गया, डॉक्सी हो गया, ये सब लेने के बाद, और वो खुश रहे, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मन लगता है किसी से बात करे, नेसेसरी मोबाइल पे बात करे, यानी अंदर से स्ट्रॉन्ग बनने के लिए अपना आपको ही ज़्यादा सुरक्षित लेना जरूरी है। अभी तक नगर निगम से कोई भी तरह का सैनिटाइजर का छिड़काव नहीं हुआ है, और वार्ड नंबर 21 में यह पहली बार सलीम उफुद्दन मजदूर वार्ड नंबर 21 के प्रत्याशी अपने खर्च पे ये पूरे वार्ड में सैनिटाइजर का छिड़काव कर रहे हैं ताकि जनता कोरोना टाइम से बच सके। ये अभी आपका 2 दिन से हो रहा है और अभी होने के लिए अभी बहुत सारा बाकी है। नगर निगम से अभी तक कोई नीति नहीं हुआ है, अब खुदन मजदूर ये सब छिड़काव कर रहा है। आप लोगों के सुरक्षित के लिए? हाँ, हम लोग के सुरक्षित के लिए हो गया। ठीक, चलिए। कैसा काम लग रहा है आप लोग को? बहुत अच्छा। ये तो काम तो बहुत अच्छा किए, कोरोना काल में करना जरूरी, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। वहीं फूदन मजदूर ने बताया कि कोरोना काल में साफ सफाई होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैं सैनिटाइज करा रहा हूँ और आगे भविष्य में भी कराता रहूँगा। अपने वार्ड में आप क्या चीज का छिड़काव करा रहे हैं? इसलिए कि जनता का स्प्रे करवा रहे हैं, कोरोना जो बीमारी अभी फैला हुआ है, इसके लिए हम देखें कि नहीं, ये जो अभी जो करवा रहे हैं, ये इसका क्या, ये है ना, पूरे सुरक्षित के लिए, जनता के लिए सावधान, कोरोना का दवाई पूरा छिटवा रहे हैं कि कहूँ कोई दिक्कत किसी को, बड़ बीमारी ना हो, स्प्रेड करवा रहे हैं कि कहूँ पर कोई ऐसी भावना नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो। पूरे 21 नंबर वार्ड में हमने जनता के सुरक्षित के लिए हर नाली, हर जगह स्प्रे करवा रहे हैं। ये कोरोना का जो ये जो दवाई होता है उसको स्प्रे करवा रहे हैं हम, इसलिए कि देख रहे हैं कि ये कब तक चलता रहेगा, 2 दिन चले, 3 दिन चले, जहां तक ये सर्वे होगा, जब तक कंप्लीट नहीं होगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। वार्ड नंबर 21 की जनता को क्या कहेंगे कोरोना काल में, कैसे रहे घर में सुरक्षित? ये तो हम यही देख रहे हैं कि कोरोना के लिए इतना जो स्प्रेड करवा रहे हैं कि सुरक्षित के लिए करवा रहे हैं कि सब अपने अपने घर में, माँ बहन सबके लिए अपने अपने सुरक्षित रहें और मास्क लगा के रखें, बीमारी से सावधान रहें, आने वाला समय में कम से कम बीमारी को कोई तरह का परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। जो हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक ये लॉकडाउन रहेगा और ये कोरोना का मारामारी रहेगा, ये तब तक मेरे लिए ये सेवा चलता रहेगा। जहाँ तक होगा हम ये करते रहेंगे जब और तक और भी क्या होगा ये छिड़काव के बाद भी और क्या प्रयास है आगे? इसके लिए और प्रयास है, अगर इसी तरह लॉकडाउन लगा रहा तो मेरा और भी प्रयास है। जहाँ तक होगा जनता को हमने देखेंगे, जहाँ तक जो दिक्कत होगा उसके लिए हमने पूरा अपने तरफ से कोऑपरेट करेंगे अपने, है ना, ये किसी का ये नहीं है, ये सारे जो खर्च हो रहा है ये सलीम और फूदन मजदूर की तरफ से ये किया जा रहा है। श्री बालाजी एजेंसी NH-31 गुलाबबाग पूर्णिया एवं दूसरा शोरूम AGL टाइल्स वर्ल्ड एक्सक्लूसिव श्री बालाजी